कॉपीराइटिंग एक ऐसा कंटेंट है जो सेल्स ड्रिवन होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ अभी कंपटीशन नहीं है। पेपर क्लिक जो कीवर्ड्स पे रैंक होता है, आप कीवर्ड्स पे अपना प्रोडक्ट या लिस्टिंग या कोई भी चीज़ रैंक करते हैं ई कॉमर्स की डोमेन में। मुझे कॉपीराइटिंग में सबसे मुश्किल काम जो लगा था वो ये था कि कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ बयान करना। अभी जो मेरी मंथली इनकम है वो तकरीबन 800 to 1000 डॉलर है। कोई स्टूडेंट मेरे पास आके मुझसे पूछेगा कि मुझे चीज़ सीखनी है, तो मैं उसको सबसे पहले ये कहूँगा कि आपने ई कॉमर्स के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो है वो समझें कि ई कॉमर्स है क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। तो उन्होंने तो ये बात बहुत अरसा कबल की थी, लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ वो ई कॉमर्स की डोमेन में बड़ा ही डिफरेंट काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट होना और कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट होना ये ई कॉमर्स में कितना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ पीपीसी के हवाले से भी हम इनसे जानेंगे और ई कॉमर्स में डिफरेंट तरीक़ों से किस तरह से अर्निंग की जा सकती है, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इनको पोइट्री और लिटरेचर में इंटरेस्ट था, वहाँ से ये ई कॉमर्स की तरफ कैसे आए। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने ई कॉमर्स का रुख कब, क्यों और कैसे किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन का और इनेबलर्स का कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरा जर्नी अगर आप स्टार्ट की बात करें तो वो 2019 में स्टार्ट होता है। मैंने कराची में एक सेमिनार अटेंड किया था जिसकी रजिस्ट्रेशन जो मेरे वालिद साहब ने की थी, उन्होंने कहा था कि जाके देखो क्या चीज़ है। लेकिन मैंने ज्वाइन 2019 में नहीं किया, मैंने ज्वाइन किया 2020 के एंड में। वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है। 3 महीने का तकरीबन कोर्स मुकम्मल हुआ था, क्योंकि उस वक्त कोविड था तो कोर्स की डिलेज हुए थे। तो 3 महीने का कोर्स मुकम्मल होने के बाद मैं 2021 फरवरी में एक कंप्लीट कोर्स करके इनेबलर से वहाँ मैं सर्टिफाइड एक तरीके से वी वर्चुअल असिस्टेंट था। उसके दो तीन महीने बाद मुझे क्लाइंट मिला था, पाकिस्तानी क्लाइंट था, लेकिन उनकी लॉन्च हमने US में करनी थी, तो वो मैंने सक्सेसफुली उनकी लॉन्च की थी। फिर उसके बाद से मेरा जर्नी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल इनकम की तरफ स्टार्ट हो गया था। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट हैं, एक तो ये टर्मिनोलॉजी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी एक्सप्लेन करें, कॉपी राइटिंग ई कॉमर्स में उसका क्या रोल है, क्या काम है, और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि इसके आप एक्सपर्ट हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जो इसकी डोमेन में फॉल करती। अगर हम सिंपली कॉपी राइटिंग की डेफिनेशन की बात करें, कॉपी राइटिंग एक ऐसा कॉन्टेंट है जो सेल्स ड्रिवन होता है, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये मार्केटिंग का एक कोर एलिमेंट है। ई कॉमर्स की जितनी भी आपकी कॉन्टेंट होता है वो ऑब्वियस सी बात है उस पर आप एडवर्टाइजमेंट पर रिलाई करते हैं, मार्केटिंग पर रिलाई करते हैं। तो कॉपी राइटिंग इज़ स्टफ़ दैट इज़ फॉर सेल्स। मेरा जर्नी कॉपी राइटिंग का स्टार्ट हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग सा। 8th क्लास में मुझे याद है मैंने अपनी सबसे पहली पोइट्री लिखी थी। उसको लिखने के बाद मैं लिटरेचर में आया, मुझे पता चला कि लिटरेचर क्या है एंड लिटरेचर में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं लिटरेचर के। जब मैंने ई कॉमर्स ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि यहाँ भी वही चीज़ें हैं, लेकिन मुनफरिद अंदाज में उनको बयान करने, जो आप कह सकते हैं कि जो बंदा मुनफरिद होगा उसके चांसेस सक्सेस के ज़्यादा हैं। शुरू में मैंने फिर कंटेंट राइटिंग पे लिखना शुरू किया, कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी ई कॉमर्स की, कीवर्ड्स की मुझे नॉलेज नहीं थी कि एल्गोरिदम में कहाँ उनको रखना है, किस बिट्स पे रखना है, उन मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं ई कॉमर्स में मैं ज्वाइन किया और मैंने देखा कि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ अभी कॉम्पिटिशन नहीं है और उसके लिए आपको एक स्किल चाहिए लिखने की, तो उस शायरी से लेके, मैं कहता हूँ ये शायरी से लेके कॉपी राइटिंग का जो सफ़र, वो पोइट से लेके कॉपी राइटर में चेंज हो गया। तो कॉपी राइटिंग इस तरीके से मैं डिस्क्राइब करता हूँ उसको। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पीपीसी रैंकिंग हम बहुत सुनते हैं, पे पर क्लिक, इसका कॉपी राइटिंग के साथ क्या ताल्लुक है और ई कॉमर्स में ये किस तरह से इस्तेमाल होती है। पीपीसी, पे पर क्लिक, कॉपी राइटिंग
पेपर क्लिक से जो रिलेशन है उसका वो बहुत ख़ास है। उसकी रीज़न ये है कि पेपर क्लिक जो कीवर्ड्स पे रैंक होता है, आप कीवर्ड्स पे अपना प्रोडक्ट या लिस्टिंग या कोई भी चीज़ रैंक करते हैं ई कॉमर्स की डोमेन में। अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी नहीं लिखी हुई, उसमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं हुए हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट्स पीपीसी के नहीं आएंगे। तो अच्छे तरीके से लिखी हुई चीज़ उसको मार्केट करना बनिस्बतन एक ख़राब चीज़ के या जिस चीज़ में कीवर्ड्स इन्वॉल्व ना हो, इंडेक्स ना हो, वो रैंक नहीं करता। तो कॉपीराइटिंग इस तरीके से रिलेट करती है पीपीसी से। सर मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स में आम तौर पे लोगों को जो मुश्किल काम लगता है वो प्रोडक्ट हंटिंग है, लेकिन आपका चूंकि एप्टीट्यूड भी दूसरी तरफ था, कॉपीराइटिंग की तरफ था, कंटेंट डेवलपमेंट की तरफ था, आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगा? मुझे कॉपीराइटिंग में सबसे मुश्किल काम जो लगा था वो ये था कि कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ बयान करना, क्योंकि उसमें एक लिमिट होती है आपकी, आपने एक लिमिट के अंदर रह के चीज़ को डिस्क्राइब करना होता था। अगर आप मुझसे मेरी बात करें, जो मैंने पहली लिस्टिंग लिखी थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रोग्रेस किया अब मैं कम लफ्ज़ों में बड़ी अच्छी चीज़ को बयान कर पाता हूँ। तो मुझे उसमें मुश्किल बहुत लगी थी कि कम लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करें, जिसको हम कह सकते हैं वो कैब क्या है, सेंटेंस मेकिंग क्या है इंग्लिश की, तो वो थोड़ा मुझे मुश्किल लगा था। बट जैसे जैसे मैंने सीखा तो वो चीज़ अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल कर रहा हूँ उसमें। अच्छा सर, आपको ई कॉमर्स को लर्न करने में कितना वक्त लगा और आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? मुझे ई कॉमर्स को जो सीखने में वक्त लगा वो तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्त था, लेकिन हम वक्त के साथ साथ सीख रहे हैं और नई चीज़ें सीख रहे हैं, वो तो चलता रहेगा एक सफ़र। अभी जो मेरी मंथली इनकम है वो तकरीबन $800 to $1,000 है। सर मुझे ये बताइएगा कि स्किल्स जो ई कॉमर्स में लोग आना चाहते हैं या हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका कोई अजीज़ या वो ख़ुद ई कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट करें, तो स्किल्स कौन से हैं जो आपके काम आए और जो आप उनको भी सजेस्ट करेंगे कि ये स्किल वो सीख के आए? क्योंकि मैं कॉपीराइटर हूँ, मैं तो 2 से 3 स्किल्स के बारे में बात करूँगा कि उनको चाहिए कि इन पर ज़्यादा फोकस करें। पहली चीज़ ये है कि वो रिसर्च, मार्केट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी मार्केट स्पेस में काम करना चाह रहे हैं, इवन कि वो पाकिस्तान की कोई आप लोकल काम करना चाह रहे हैं, पीएल करना चाह रहे हैं या बाहर लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उस मार्केट की रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं आपकी, पीपीसी आ जाएगा, कॉपी राइटिंग है और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि कॉपी राइटिंग एक एलिमेंट है मार्केटिंग का। और लास्ट में मैं कहता हूँ क्वालिटी प्रोडक्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता होना चाहिए वो एक स्किल है, ये कहाँ से प्रोडक्ट अच्छा मैन्युफैक्चर होगा, ये सारी चीज़ें अगर आप इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आप ई कॉमर्स में सक्सेस के रेशो जो है बढ़ सकता है आपका। अच्छा, इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा, इनके साथ काम करके आपको कैसा महसूस होता है? इनेबलर्स का एनवायरनमेंट बड़ा फ्रेंडली सा है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ हर बंदा जो है वो अपने डोमेन का एक एक्सपर्ट है। अगर मैं कॉपीराइटर हूँ तो दूसरा बंदा पीपीसी एक्सपर्ट है, कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी अच्छी करता है, तो आपको पता है जब मुख्तलिफ जो अंदाज के लोग होते हैं, मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग होते हैं, मिलते हैं तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन जाता है। और मुझे मज़ा आया क्योंकि मैं सर साकिब इंतज़ार का SSM भी रह चुका हूँ, तो वहाँ मुझे काम करके मज़ा आया, मैंने चीज़ें लर्न की। तो आई वुड से कि वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, सिंपली एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं। सर जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे कि वो कौन सी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं या 2-3 आप कह लें सेल्फ डेवलपमेंट के ऐसे टूल्स हैं जिनको वो अपने ऊपर तारी कर लें या जिनको वो सीख लें जिससे वो ई कॉमर्स में कामयाबी से काम कर सकते हैं? ई कॉमर्स में आने से सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपने आप को पहचानें। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप भी वो काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप वो ये काम कर सकते हैं तो सबसे पहले आप अपनी लर्निंग स्किल की हैबिट को बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक बच्चा मेरे जैसे कोई स्टूडेंट मेरे पास आके मुझसे पूछेगा कि मुझे चीज़ सीखनी है, तो मैं उसको सबसे पहले ये कहूँगा कि आपने ई कॉमर्स के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो है वो समझें कि ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स का नाम अमेज़ॉन वो नहीं कर सकते, ई कॉमर्स बहुत बड़ी डोमेन है। आप जितनी बड़ी डोमेन है उसमें जितना एक्सप्लोर करेंगे वो कम है। तो वही बात आ गई कि आपने मार्केट रिसर्च करनी है। उसके बाद अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें या सेल्फ एक कॉन्शियसनेस होती है इंसान की,
तो उसमें मैं कहूँगा कि आपने स्मार्ट वर्क करना है। जो क्रिएटिव बंदा होगा उसके चांसेस जो हैं वो सक्सेस के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी में आप नई नई चीज़ें लाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरीके से आपके सक्सेस चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो अगर तीन ही चीज़ें हुई, स्मार्टनेस एंड देन क्रिएटिविटी एंड देन कंसिस्टेंसी, इन चीज़ों को मिला के सेल्फ आप जो है अच्छे ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विजन है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले EVS 3.0 की भी लॉन्च की। मैं ये चाहूँगा कि आप बताएं, आप उनके विजन को, उनके काम को कैसे देखते हैं? मैंने जहाँ तक अभी जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ी, सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ी, तो जितनी भी आप देखें बिजनेस मैन हैं, उनको बड़ा अच्छा खासा टाइम लगा इंट्रोड्यूस करने अपने कंपनी को। लेकिन जिस किसी का ये विज़न होता है कि वो लोगों को इल्म बांटेगा या इनेबल करेगा, तो उनके जो सक्सेस है वो जल्दी मिलती है उनको। सर, साकिब अज़हर की बात मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि वो बहुत डाइवर्सिटी, बहुत उनके काम, वी आर नॉट इन बाउंड्रीज। हमें अपने काम करने के लिए अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम ये भी कर सकते हैं। हमारे पास वर्क है, हमारे पास EVS है, हमारे पास फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, तो जो एक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मुझे सर साकिब अज़हर जो है मुनफरिद लगते हैं, और वो मैं कहता हूँ ही इज़ अ वेरी काम पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साद साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते थे, ख़ास तौर पर कॉपी राइटिंग को ई कॉमर्स में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और PPC रैंकिंग के हवाले से जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।